हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। यदि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन या टेक्निकल भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं तो सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपका एक एक पल अगर आप गवा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें जो है, अभी कोई ये ना सोचे कि फाइनल रिजल्ट आने वाला, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपका पेपर का रिजल्ट आने वाला है, जो आप पेपर दिए हैं। अभी आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, फाइनल लिस्ट अभी स्टेप बाय स्टेप बचे हुए हैं। आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत है फिजिकल के लिए। यदि आप निरंतर अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से लूज हैं। आपको अगर ये लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा या पास होऊंगा, पहले रिजल्ट तो आ जाए तभी तो मैं शुरू करूं, गलत है। रिजल्ट आने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन या टेक्निकल भर्ती का फिजिकल पास कर लूंगा या ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लूंगा, बोर्ड इतना समय नहीं देने वाला है। पहली बात तो ये है, अगर आपको सीरियस हैं इसमें भर्ती होने के लिए तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भर्ती का रिजल्ट नज़दीक आ चुका है और ये रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा। ट्रेड टेस्ट की वीडियो मैं बनाकर दे रहा हूं लगातार आपको, आज भी मैं बताने वाला हूं और मैं बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी ट्रेडों पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। समझ गए? जैसे बच्चा स्कूल में तो पढ़ाता है, अगर वो घर पर नहीं पढ़ता तो उसका पढ़ावा सब बेकार हो जाता है। जो बच्चे होमवर्क अच्छे से करते हैं वही बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक अगर पहुंचना है तो मेहनत आज से ही शुरू कर दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो। फिजिकल में बहुत बच्चे फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आपका जो है मेडिकल है, आपका ट्रेड टेस्ट है, उसमें भी बच्चे फेल होते हैं। कुछ आपकी कमियों की वजह से भी फेल हो जाते हैं। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे इस बार सिलेक्शन में कोई दिक्कत आए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ सफाई वाला ट्रेड टेस्ट संबंधित संपूर्ण जानकारी, आपको क्या क्या करना होगा और आप जो है जो ट्रेड टेस्ट पास कर जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? झाड़ू बांधना आना चाहिए। अगर आप झाड़ू बांधना जानते हैं तो झाड़ू तो लगा ही लेंगे। झाड़ू बांधने के लिए मैं आपको झाड़ू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये झाड़ू है। ये झाड़ू का जो भाग है ये छोटा है, ये छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा, फिर ये और बड़ा, ये और बड़ा। चार स्टेपों में झाड़ू बांधा जाता है। कितने स्टेप में? चार स्टेप में। झाड़ू का सबसे छोटा भाग मिडिल, फिर मिडिल, फिर एकदम टॉप वाला। समझ गए? तो झाड़ू, ये झाड़ू जो डंडे वाली झाड़ू होती है, ऐसा नहीं कि इधर से लगानी शुरू कर देंगे, नहीं, इसको इधर से ही लगाया जाएगा। समझ गए? आपको सबसे पहले तो झाड़ू को पकड़ना आना चाहिए। उसके बाद झाड़ू जब बांधनी आएगी तो तब पकड़ना भी सीखेंगे। और जब झाड़ू हम लगाते हैं, देख लीजिए एक बार, ये हाथ हमारा यहाँ रहेगा, ये हाथ यहाँ रहेगा। समझ गए? वो इस स्टेप को देखते हैं। समझ गए? ये आपका स्टाइल रहेगा झाड़ू लगाने का। समझ गए? यहाँ यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना, दो जगह। ठीक, इसके बाद में आपको जो है झाड़ू एकदम लगा देनी है बढ़िया से, और अभी से प्रैक्टिस करें। कोई ये ना सोचे कि हम तो सफाई में भर्ती हो रहे हैं तो हम तो बस यूं ही हो जाएंगे। बहुत बच्चे फेल होंगे भाई झाड़ू में। ठीक है, झाड़ू बांधनी, झाड़ू लगानी, झाड़ू को कैसे पकड़ना है अच्छे से सीख लें। इसके बाद वाइपर से फर्श की धुलाई। जी हाँ, आपको वाइपर से फर्श की धुलाई आनी चाहिए। अब वाइपर से फर्श की धुलाई करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं? पानी ज्यादा ना रहे। आप जैसे वाइपर लगाते हैं तो वाइपर लगाने के बाद में पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक, उसमें थोड़ा सर्फ डाल सकते हैं सफाई के लिए। ठीक है, इसके बाद बेसिन हो गया, टॉयलेट हो गया, इसकी सफाई करनी अच्छे से सीख लें। टॉयलेट
टॉयलेट को कैसे साफ करना, कौन सा ब्रश से साफ करना है, बेसिन को कैसे साफ करना है, ये भी सीख लें। हार्पिक हो गया, एसिड हो गया, तो इन चीजों की, जैसे क्या दाग निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, अगर कोई फर्श में दाग हो गया, टॉयलेट सफाई के लिए किसका यूज करेंगे, तो ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए, इनके नाम भी, इनको इनसे संबंधित काम भी। ठीक, वाइपर चलाना आपको आना चाहिए, झाड़ू बांधनी आपको आनी चाहिए, जाइए इतना काम सीख लीजिए, सफाई वाले पास हो जाएंगे 101%। बस आपको जरूरत है अपना फिजिकल अच्छे से तैयार करने की और ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में ऐसा नहीं है झाड़ू में सब पास ही हो जाते, बहुत बच्चे फेल होते हैं झाड़ू लगाने में। इसके बाद में जब आप झाड़ू लगाते हैं तो सफाई से झाड़ू लगाएं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं बताया हूं, और बाकी अभी और ट्रेडों की भी मैं वीडियो ऐसे ही देता रहूंगा। अब बात करूंगा आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड तो कभी भी आ सकता है, चाहे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद ही आ जाए, फिर भी उम्मीद है कि नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर में ही आपके ट्रेड टेस्ट भी अगर आ जाएगा तो उसके हफ्ता 10 दिन पीछे ही आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, मेहनत करते रहिए, सलेक्शन आपको लेना है, समझाना आपके भाई का काम है। ठीक है, जो बच्चे हमारी बात माने थे, जो भाई बहन SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन में सलेक्शन ले गए और उनके देखिए मेडिकल भी क्लियर हो गए हैं, अब उनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख से पहले पहले SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2020 की भर्ती का भी रिजल्ट आ जाएगा। मैं भी आशा करता हूँ आप लोग भी ऐसे ही अपना फिजिकल और ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद में मेडिकल क्वालिफाई करें, और फिर जो है ऐसे ही आपसे भी बात करेंगे कि आपका भी रिजल्ट जल्द आने वाला है। दोस्तों सारी ट्रेडों की मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी दफ्तरी का पूछा है, दफ्तरी का करवाएंगे, इसके बाद में प्योन का है, दफ्तरी है, प्योन है, और आपका बिगुलर है, बिगुलर के लिए तो आपको देखिए बिगुल चाहिए, बिगुल के बिना काम नहीं चलेगा, और जो बाकी ट्रेड हैं, कुक है, वाटर केयर, जो जितने भी ट्रेड हैं सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।